तो अब यहाँ पर तो एक चीज़ क्या हुआ अभी तक, अभी तक हमने एक चीज़ ये देखा कि हम जो है एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट करके आ रहे हैं यहाँ पर, हमारा प्रोग्राम में एंट्री हम यहाँ पर डाल रहे हैं 35, 40, बी 40, 50 इस तरह से। पर मैं चाहता हूँ कि एंट्री मेरी जो है वो यहाँ पर हो, इस जगह पे, कि मैं ब्राउज़र के अंदर जो है कोई भी एंट्री कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सीरियल नंबर तो रहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर रहेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, बेसिकली आपके घर पे आपका कोई फ्रेंड आया, तो उसको हमने बोला कि भाई आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए और यहाँ पर आपको इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए, आप वो लिखिए। अब हम उसको हमारा पूरा कोड तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे टैग्स का यूज़ करेंगे कि जो हमें ब्राउज़र में लिखने के लिए दे। अभी हम ब्राउज़र में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं बट वो नहीं लिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे, तो जैसे सीरियल नंबर मेरा सेम रहना चाहिए कि भैया जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे, यहाँ से मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक टैग है जिसका नाम है इनपुट, इनपुट टैग का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इनपुट टैग के अंदर हमें चाहिए टाइप, ठीक, इस टाइप का हो और वो होना चाहिए टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। इस तरह से हम इसको सेव करेंगे एंड यहाँ पर हम रीलोड करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये देखिए इनपुट आ गया। अब यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा है कि अब हम ब्राउज़र में लिख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई फ्रेंड आए तो वो यहाँ पर सब चीज़ें कर सके। तो एक बार वापस हम इसको समझते हैं क्या करा था हमने, हमने एक सिंपली इनपुट टैग लिया और उसका हमने टाइप बताया कि भैया आपका टाइप जो है वो होना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप जो है वो होना चाहिए हमारा टेक्स्ट, ओके, इस तरह से, एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब इसको हम सेव करते हैं, एक बार वापस से देखते हैं एंड इसको हम रीलोड करेंगे वापस से। अब देखिए इंग्लिश के अंदर भी हम मार्क डाल पा रहे हैं, ये देखिए नाम भी डाल पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ओ सॉरी, नाम भी हम लिख पा रहे हैं यहाँ पर, मार्क भी लिख पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में अभी भी, ओ सॉरी, हिंदी में अभी भी जो है हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो हम अगेन यहीं पर वही सिंपल सी चीज़ करेंगे। आप चाहो तो ऊपर से कॉपी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर बार जो है टाइप करना पड़े। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया, ओके। इसको सेव करेंगे हम और वापस से वही F5 प्रेस करके आप चाहो तो इसको रीलोड कर सकते हो। तो देख रहे हो आप इस तरह से हिंदी के अंदर भी अब जो है हम मार्क्स एंट्री कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम चाहे तो इस सेकंड नंबर रो के अंदर हम एंट्री नहीं कर पा रहे, तो सेम यही पूरा का पूरा हम यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे शिफ्ट का यूज़ करके पूरा जो है अच्छे से कॉपी कर लेंगे इसको, ये कॉपी, एंड इसको जो है हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, और ये 1 नंबर की जगह पे हम कर देंगे 2 नंबर, इस तरह से सेव करेंगे, अल्टर टैब दबाएंगे, सेव किया हमने, अल्टर टैब दबाया और इसको हम रीलोड करेंगे यहाँ से। तो देखिए अब यहाँ पर भी हम जो है एंट्री कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए था हमारा तो हमने ए कर दिया, यहाँ पर बी था तो हमने इसको बी कर दिया, तो कुछ इस तरह से एंट्री कर। अब इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदी और इंग्लिश, तो हम चाहते हैं कि टोटल मार्क्स मेरे हो गए फॉर एग्जाम्पल 200, तो 200 में से मेरा कितने मार्क्स जो है आए हैं, तो वो ये दोनों जो सेल्स हैं इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पर बताए कि भाई आपने ये दोनों टेस्ट के अंदर जो है टोटल 90 मार्क्स जो है वो स्कोर किया है, ठीक है। तो हमें वो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब जब भी आप रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, डेटा जो है वो यहीं पे घूम रहा है, ठीक है, डेटा जो है वो यहीं पर ही है, हमें इस डेटा को प्लस करवा के इधर चाहिए हमें इस वाली एक और टोटल नाम की जो हम सेल अभी बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चाहिए कि ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स हैं, ये एक जगह पे जाके सेव हो। फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, एक जगह ये है और इसको बीच में हम प्लस का साइन लगा दे, तो मैं चाहता हूँ ये नंबर यहाँ सेव हो, ठीक है, ये नंबर यहाँ सेव हो और लास्ट के अंदर हमारा एक टोटल जो है इसके अंदर आ जाए। तो जब भी आपको ये नंबर या किसी भी डेटा को सेव करना है, वो नंबर हो चाहे वो इस तरह का नाम हो, कुछ भी XYZ हो, तो आपको जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वेरिएबल की,
वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल टेम्प्रेरी मेमोरी क्रिएट करता है कंप्यूटर के अंदर कि जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो वेरिएबल के अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू को वो प्लस माइनस या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करके हमें रिजल्ट यहाँ पर देता रहेगा। जैसे ही हम प्रोग्राम को रीलोड करेंगे तो वो डिलीट कर देता है, तो दैट मीन्स टेम्प्रेरी एक मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पर चाहिए कि भैया इन दोनों के जो भी प्लस हो रहा है वो हमें यहाँ पर जो है इस टोटल कॉलम के अंदर प्लस आ जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम वापस हमारे सब लाइन के अंदर आ जाते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सब लाइन के अंदर आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चेंजेस करते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मुझे जो है वेरिएबल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करें तो भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम तो नाम रहना है, हमें तो जो है ऑपरेशन करवाना है वो ये दो सेल के ऊपर करवाना है, तो हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत है और एक और कॉलम हमें यहाँ पर चाहिए जिसका नाम जो है वो टोटल होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर जो है एक कॉलम क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जाएंगे हेडिंग के अंदर, क्योंकि यहीं से कॉलम क्रिएट होगा हमारा। हेडिंग के अंदर हिंदी के अंदर हमें टी एच कॉडिंग हेडिंग यूज़ करके इसको बोल दूँगा टोटल। ओके, और यहाँ पर भी एक टी डी जो है उसको ऐड कर दूँगा टी डी। ठीक है, इसको हम जो है अगेन इनपुट इसको हम बाद में करेंगे, टी डी कर देते हैं ताकि आपको बाद में दिखाएगा, मैं इसको बाद में करूँगा। यहाँ पर भी मुझे एक टी डी चाहिए, ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टी डी। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। आए सेव करने के बाद हम जो है ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ब्राउज़र पे हम जाएंगे और इसको रिफ़्रेश F5 प्रेस करेंगे कि हमारा जो टेबल हमने बनाया है इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पर आ गया, अब टोटल नाम का यहाँ पर हमारे पास कॉलम भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम एंट्री करें, जैसे मैंने यहाँ पर 45 यहाँ पर 45, तो टोटल होकर यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले वापस से हम जाते हैं। तो वापस मैंने आपको बोला ना कि हमें ये दो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए यहाँ पर, तो हमें दो वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम चेंज करते हैं। तो इनपुट टैग के अंदर आपको चेंज करना है क्योंकि जो भी एंट्री होगी वो यहाँ होगी इनपुट के अंदर। ठीक है, तो इनपुट टैग के अंदर एंट्री चेंज करना हमारे को, तो सबसे पहले हम इनपुट टैग के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये वाला तो हो गया मेरा नेम के लिए, और इसके नीचे वाला जो है वो इंग्लिश के लिए, यहाँ से देख लेना आपको, तो इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे आऊँगा, स्पेस दूंगा और मैं उसको बोलूँगा आई डी देना है। और आई डी अब क्या हो गया, तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आई डी में जाता हूँ सेल वन, इसको मैं नाम दे दूँगा सेल वन। तो मैं यहाँ पर करूँगा सेल वन। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ देंगे हम कि सेल वन जब है उसको क्या करना है, तो उसको करना है कि जब भी इस पे ऑन इनपुट, जब भी इस पे इनपुट हो, तो एक कैलकुलेशन करके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कैलकुलेट सम, सॉरी कैलकुलेट सम करके जो है फंक्शन हम क्रिएट करेंगे कैलकुलेट सम। ठीक है, उसको ये ऑपरेशन इसके ऊपर करना है, कब, जब भी इनपुट होगा तो कैलकुलेट सम है। अब ये कैलकुलेट सम फंक्शन क्या है, तो कैलकुलेट फंक्शन हम अभी मैं आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप देखें कि हमको एक फंक्शन बनाना है, यही सेम चीज़ जो है हम यहाँ पर इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेस देके आई डी, ओके ओ वन सेकेंड, सब डिलीट हो गया, ओके हाँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आई डी जो है मेरी सेल वन ऑलरेडी है, तो मैं इसको सेल टू कर दूंगा कि सेल वन जो है मेरी इंग्लिश के लिए हो गई, सेल टू जो है मेरी हिंदी के लिए हो गई। ओके, और मैं यहाँ पर हाँ हमें ऑन इनपुट के ऊपर कैलकुलेशन भी करना है, ऑन इनपुट और कैलकुलेट सम जो है ये फंक्शन जो है ये हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो चीज़ के लिए हो गया हमारा, यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश। अब क्या करना है, तो हम यहाँ पर एक और इनपुट इन करेंगे, इनपुट हाँ सॉरी हो गया था वो इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं टाइप दूंगा, एक तो टाइप मेरा टाइप होना चाहिए टेक्स्ट, और एक आईडी दूंगा उसको मैं आईडी। ठीक है, अब मैं इसको सेल थ्री नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं कोई और वेरिएबल का नाम दूंगा, इसको और कोई नाम दूंगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया D1।
ठीक है, डेटा वन या रो वन आर वन जो भी है आप वेरिएबल का नाम इसको जो है दे सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम जो है स्क्रिप्ट के अंदर लगाएंगे, हमें जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है ये वाला कैलकुलेट सम, उस फंक्शन को हम यहाँ पर अभी कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे टाइटल के पास एंड यहाँ पर हम ऑन करेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट ऑन करा, ये सब की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें सिंपल एक स्क्रिप्ट चाहिए और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमने जो फंक्शन जो है बनाया है, फंक्शन क्या बनाया हमने, फंक्शन कैलकुलेट सम, ये वाला जो है हमने फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे एक बार वापस, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला फंक्शन, ठीक है। कैलकुलेट सम वाला जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि क्या हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे जो डिटेल्स को अपने अंदर सेव करेंगे और टोटल करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए हमें यूज़ करते हैं वेरिएबल का वी ए आर वेर, एंड मैथ्स में हम सबसे ज़्यादा अज्यूम करते हैं तो क्या बनाते हैं, x इक्वल्स टू, और यहाँ पर अब जो भी डेटा डल रहा है वो एज अ टेक्स्ट डल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि उसका टाइप क्या है, वो टेक्स्ट टाइप है। तो टेक्स्ट यानी ए बी सी डी को आप कभी भी आपस में प्लस नहीं कर सकते, आप नंबर्स को ही प्लस कर सकते हो। तो हमें उसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है पी ए आर एस ई, पी ए आर एस ई और आई एन टी प्रेस इंट, ठीक है उसको। और फिर आपको यूज़ करना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ हमें इसको इसको कैसे पता चलेगा एक्स को कि मेरे अंदर कौन सी डिटेल जो है, कौन सी डेटा जो है मेरे अंदर आना है। तो हम चाहते हैं कि जो हमने ये आईडी दी है ना, उस आईडी से यहाँ पर डेटा आए। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, अब यहाँ पे टैग नेम है उसकी जगह पे हम चेंज कर देंगे आईडी, कि आईडी से जो है वो आना चाहिए, आईडी का आई कैपिटल होना चाहिए, तो आई टी कैपिटल, हाँ जी इस तरह से, ठीक है। और इसको हम डबल कोट कर देते हैं, और हमारी जो आईडी है इसका आईडी का नाम क्या है, ये रहा हमारा आईडी, ठीक है। तो आईडी का नाम है सेल वन, तो यहाँ पर हम कर देंगे सेल वन इस तरह से। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें चेक करनी है वैल्यू की, अगर आई सेल वन के अंदर कोई वैल्यू है तो उसको आपको जो है शो करना है, कहाँ पर आपको सेव करना है, कहाँ पर एक्स के अंदर, ठीक है। सेव हमारे को एक और वेरिएबल बनाना है, किसके लिए, तो हमारे को एक और वेरिएबल बनाना है सिंपली जो हमारे हिंदी वाला है उसके लिए। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर मेरे को चाहिए सेल टू इस तरह से, ठीक है। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो है वैल्यू इस तरह से। तो ये क्या करेगा, जो मेरी टेक्स्ट के अंदर जो ये टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है उसको ये वाला जो है प्रेस इंट जो है उसको अपना नंबर के अंदर चेंज कर देगा। और फिर हमारे को एक और वेरिएबल चाहिए होगा कि वो नंबर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कहा वेरिएबल आर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलम, ठीक है। ये सब जगह पे सेमी कॉलम आएगा, यहाँ पर सेमी कॉलम, यहाँ पर भी सेमी कॉलम। तो मैंने क्या बोला कि आर जो है वो क्या करेगा, एक्स और वाई को प्लस करेगा। अब एक्स क्या है, तो भैया एक्स जो है ये वाला एक्स जो है वो क्या करेगा, वो ये सेल वन पे जो भी डेटा होगा अपने अंदर स्टोर करेगा, वाई जो है ये सेल टू के अंदर जो डेटा होगा उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, और एक्स प्लस वाई जो है उसको आर जो है इसका जो आंसर आएगा वो आर अपने अंदर जो है स्टोर कर लेगा। तो बेसिकली तीन वेरिएबल हमने बना दिए। अब हमको एक और लाइन यहाँ पर लिखना है कि आर की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, वो हमें टोटल वाले कॉलम के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी टैग नेम वापस आ गया, आईडी एंड आईडी के अंदर हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, हमने यहाँ पर नाम दिया है डी वन, ये वाला नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया डी वन इस तरह से, ठीक है डी वन, एंड उसके बाद क्या चाहिए डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आर, कि मेरी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डी वन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आर के बराबर होनी चाहिए, ओके।
तो सेव करते हैं यहाँ पर, ब्राउज़र पे चलते हैं, इस तरह से इसको हम रिलोड करते हैं और देखिए चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे 45 डाल रहा हूँ, NaN आ गया, यानी नॉट अ नंबर, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं है। कैलकुलेट सम के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, यू कैन सी 90 मेरा आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है उसको। अब मैं वापस से एक बार जो है हम नेक्स्ट रो के लिए जब यहाँ पे अभी डालेंगे तो आपको एक बार और अच्छे से समझने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला ही आपको पूरा कॉपी करके यहाँ ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से कॉपी, और ये 2 नंबर का जितना भी है उसको कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 2 नंबर हटा देते हैं। तो हमें इसको एक बार आप वापस से आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर एक एक और चेंज कर देता हूँ, नहीं आप वापस कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यहाँ पे मुझे अभी सेल वन, हम सेम नाम के वेरिएबल या सेम वैल्यू नहीं देना चाहते। मैं दूसरे नंबर के लिए दे रहा हूँ, दूसरी रो के लिए दे रहा हूँ, यहाँ के लिए दे रहा हूँ, इसके लिए। तो मुझे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 था, तो हम यहाँ पर कर देंगे सेल 3, एंड यहाँ पर हम कर देंगे सेल 4। बाकी सब सेम रहेगा, कैलकुलेट सम ही उसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रो नंबर 2, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं एक बार वापस से। ठीक है, मैं वापस फटाफट ट्राई करता हूँ क्रिएट करने की, इस तरह से। ये 2 तो हमने बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर की जो है रो, रो नंबर 2 के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 2 नंबर आ गया, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे हमको नाम चाहिए, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पर कहाँ पर, यहाँ पर जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल 45 लिखा और यहाँ पे मैंने 30 लिखा, तो ये कैलकुलेट होके इधर आ जाना चाहिए। तो टोटल कितना होना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल 75। ठीक है, तो ये 75 मुझे टोटल वाली रो के अंदर चाहिए। तो वो कैसे लेगा, तो यहाँ पे जो भी डेटा है, ये वाला जो भी डेटा है और ये वाला जो भी डेटा है, उसको हमें पहले मेमोरी में जगह देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, आपको कोई भी चीज़ करने के लिए हम वी नीड अ वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो वेरिएबल ही उसके ऊपर काम करते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने वेरिएबल, तो हमने कहाँ बनाया, हमने वेरिएबल बनाया ऊपर, यहाँ पर ये बना रहे हैं हम यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम जो है वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, वेरिएबल्स तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन वेरिएबल को हम वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, हम वैल्यू तो सेल में से प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ से जो वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, वैल्यू कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो आइडिया चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम आ जाएंगे वापस से, और यहाँ पर देखिए, तो हमने बोला इनपुट। अब 2 नंबर के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि नाम तो के अंदर हम कैलकुलेशन करा नहीं सकते। ठीक है, थर्ड और फोर्थ नंबर की जो सेल है उसके अंदर ही हमें कैलकुलेशन करवानी है, और उसके लिए हमने एक फंक्शन का नाम बनाया है जिसका नाम है कैलकुलेट सम। ओके, और उनकी जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर D1 की जगह पे हम कर देंगे D2, की रो डेटा नंबर जो है वो 2 हो जाए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारा जो सेल था इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ इतना चेंज था नहीं। ठीक है, तो हमने इसको फटाफट बना लिया है, यहाँ पे ऊपर वाला एक कॉपी पेस्ट कर लिया और थोड़ी सी वैल्यू जो है हमने चेंज कर ली। जो मेन काम है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक काम हो गया। अब इसी को हम कॉपी करेंगे वापस से, इस तरह से कॉपी किया, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन काम है, तो वेरिएबल्स के नाम चेंज करने, वैल्यूज चेंज करनी है। ठीक है, सेम नाम के वेरिएबल नहीं हो सकते, वरना एरर आएगी। तो मैं इसको कर दिया A, इसको कर दिया मैंने B, और यहाँ वाला वेरिएबल हो गया, वो हो गया मेरा C। ओके, ये हो गया C। ठीक है, और ये किसको करना है, इसको करना है B और A के ऊपर कैलकुलेशन। ओके, और यहाँ पर सेल वैल्यू क्या थी मेरी, सेल वैल्यू थी 3। नीचे देख लेना है यहाँ पर सेल वैल्यू क्या है, 3 एंड 4। तो इसको मैं कर देता हूँ 4, और कहाँ जाके सेव करना है, D2 में। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा D2, और ये वाला वेरिएबल कौन सा है, तो ये वाला वेरिएबल है C। तो यहाँ पर हम R की जगह पर कर देंगे C, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलम लगाया नहीं है, सेमी कोलम लगा देते हैं नहीं तो एरर आएगा। इस तरह से सेव करेंगे, अल्टर टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम इसको रीलोड कर लेंगे। ठीक है, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए 45 एंड 30 क्या हो गया, 75। ये वाला भी 45 45।
देखिए इस तरह से जो है आप रेस्पॉन्सिव टेबल बना सकते हैं। अब होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि अभी हमने दो सब्जेक्ट ऐड किए, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। आपको जो है पांच सब्जेक्ट के ऊपर बनाना है कि भैया इंग्लिश तो है ऑलरेडी, हिंदी हो जाए, मैथ्स हो जाए, साइंस हो जाए एंड लास्ट में एसएस हो जाए, एसएसटी, ठीक है। और उनका टोटल जो है एक टेबल के अंदर आ जाए, इस तरह से आपको बनाना है। मिनिमम थ्री फ्रेंड्स का आपको ऐसा बनाना है। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जो है टेबल टाइप का यूज़ करके एक रिस्पॉन्सिव टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं।